तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले आपको जो है इसके स्पेसिफिकेशन दिखा दूं तो आप देख सकते हैं 35,000 केजी के आसपास इसका ग्रोसरिकल वेट है। इसका इस्तेमाल आप करेंगे कोल और यहाँ पर ओर वगैरह है, ओवर बर्डन वगैरह, इन सब चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 19 क्यूबिक मीटर का आपको यहाँ पर जो है स्कूप बॉडी मिलेगा, 27 क्यूबिक मीटर का आपको इसके अंदर बॉक्स बॉडी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ है OM926 7.2 लीटर का BS6 स्टेज 2 लेवल का ये इंजन है और 3532 CM इसका जो है आप देख सकते हैं मॉडल नंबर है। पावर मिलेगी आपको वहाँ पर 320 HP की और टॉर्क मिलेगा 1250 NM के आसपास का। तो BS6 स्टेज 2 लेवल का आपको जो है इसके अंदर इंजन दिया जा रहा है दोस्तों, और केबिन काफ़ी सेफेस्ट बनाया गया है। केबिन के अंदर हम चलेंगे बाद में, पहले गाड़ी का हम चारों तरफ से आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं साइड से गाड़ी हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। केबिन को भी पूरा सेफ कर दिया है। इसके ऊपर आप देखेंगे अगर कोई माइनिंग करते समय कोई पत्थर या चट्टान गिरती है तो वो केबिन को यहाँ पर डैमेज नहीं कर पाए। तो सेफ्टी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया कंपनी के द्वारा। और केबिन के अंदर चढ़ने के लिए आप देखेंगे फुट स्टेप वगैरह दिए गए हैं, भारत स्टेज 6 की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। और केबिन के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू जो है देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि वाइड ओपनिंग मिलती है डोर की, डोर के ऊपर आपको पानी की बॉटल रखने का स्पेस है, हजार्ड साइन दिया गया है और ड्राइवर के साथ साथ दो लोगों की और बैठने की व्यवस्था आपको केबिन के अंदर प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्ट के हिसाब से आपके पैर वगैरह को सुकून देने के लिए फुट रेस्ट भी दिया गया है। वॉक थ्रू स्पेस है, इस साइड से उस साइड आप आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरह का केबिन का अंदर का व्यू है, हम केबिन में चलेंगे बाद में। और पहले इसके जो कुछ खास फीचर है वो आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों। गाड़ी के अंदर दोस्तों यहां पर ऑटोमेटिक जो है फायर सिस्टम दिया गया है, यानी कि अगर आपका कभी फायर वगैरह कहीं होता है जैसे कि हीट वगैरह लग जाती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखेंगे ये जो यूनिट लगाई गई है ये ऑटोमेटिकली जो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर को एक्टिवेट कर देगी और आपकी गाड़ी के अंदर कहीं पर कोई आग वगैरह लगती है तो उससे ये जो है बचाने का काम करती है। आप इसके केबिन को जो है मैकेनिकली यहाँ से टिल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बैटरी प्लेस की गई हैं, दो बैटरी हैं, 24 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मिलते हैं आपको। केबिन के पीछे की साइड में आप देखेंगे दो आपको विंडो दिए गए हैं, वहाँ पर भी लाइट दी है। या आपका एयर इंटेक हो गया या आपकी हाइबा का जो है जैक सिस्टम है वो दिया गया है। और इसके अंदर दोस्तों काफ़ी बेहतरीन जो है 12-20 के माइनिंग टायर यहाँ पर दिए गए हैं जो कि खदान वगैरह के कामों में जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं पर भी गाड़ी जो है आपकी रुकने का नाम नहीं लेगी। तो पैराबोलिक सस्पेंशंस दिए गए हैं हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर के साथ में। काफ़ी हैवी कमानी पट्टी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अंदर की साइड में। और मज़बूत आपको जो है इसके अंदर चेसिस फ्रेम भी दिया गया है, बोल्टेड फ्रेम है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे 36 लीटर का एड ब्लू टैंक है और ये आपको मेटल का यहाँ पर जो है डीजल टैंक प्रोवाइड किया गया है जो कि चट्टानों के काम में अक्सर जो है डीजल टैंक अगर आप एज पॉलीमर ले लेते हैं तो वहाँ पर उसके ब्रेकेज वगैरह होने के चांसेज रहते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया गया पूरा मेटल का, काफ़ी मजबूत जो है आपको मेटल का इसके अंदर 310 लीटर का डीजल टैंक प्रोवाइड किया गया है। अब पीछे की ओर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर आपको ये जो एक्सल दिए गए हैं इसके अंदर जो सस्पेंशन दिया गया है ये भी काफ़ी मजबूत है, बोगी सस्पेंशन। इसके कमानी पट्टे काफ़ी मजबूत किए हैं, हैवी ड्यूटी आपको इसके अंदर सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है। माइनिंग टायर हैं 12-20 के, MRF के टायर फिलहाल गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं और ये 12 चक्का ये गाड़ी है दोस्तों। तो साइड से अगर आप देखते हैं तो इस तरह की हमें ये गाड़ी दिखाई दे रही है। ओवरऑल साइड में भी आपको रिफ्लेक्टर और टर्न इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पीछे की साइड में अगर आप निगाह डालें यहाँ पर तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया है, पीछे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया है। रिवर्स में भी आपको इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह दिए हैं जिससे कि गाड़ी जब आप बैक करें और पीछे कहीं कोई खदान में चट्टान में या पत्थर वगैरह कुछ आ जाता है तो आपको ड्राइवर को वहीं पर बैठे बैठे केबिन के अंदर पता चल जाता है। तो दोस्तों गाड़ी को काफ़ी सेफ बनाया गया है। टेल लैंप वगैरह आपको यहाँ पर LED के साथ में आने वाले दिए गए हैं जिससे कि उनकी विजिबिलिटी और देखने की जो क्षमता है वो काफ़ी दूर से ही हमें पता चल जाती है। तो ये है इस तरह की यहाँ पर पीछे की साइड में आपको इसकी जो बॉडी मिल रही है वो। और राइट हैंड साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ इस साइड से तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको राइट में दिया गया है इसका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट यूनिट जिसको कि EAT सिस्टम कहते हैं। BS6 इंजन के साथ में है लेकिन स्टेज 2 लेवल का आपको जो है एडवांस जो है इसके अंदर आपको इंजन प्रोवाइड किया गया है। 7.2 लीटर का 6 सिलेंडर जो है ये इंजन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइवा की यूनिट है ये जिससे कि आपका जो ये जैक सिस्टम वगैरह है वो काम करता है यहाँ पर। और इसका एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं आप, काफ़ी ऊपर में हाइट में इसको रखा गया है जिससे कि जो धुआं वगैरह है वो डायरेक्टली वहाँ से चल करके और काफ़ी हाइट में जा करके निकलता है जिससे कि हमारा पॉल्यूशन जो है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है।
तो ये गाड़ी का ओवरव्यू हमने दे दिया आपको। अब हम केबिन के अंदर की बात करते हैं दोस्तों। तो केबिन के अंदर चढ़ने के लिए आप देखेंगे एंटी स्किड आपको इसके अंदर फुट स्टेप दिए गए दोनों ही साइड में। ये ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए अच्छा खासा स्पेस है। ड्राइवर की सीट को आप आगे पीछे रिक्लाइन मूव कर सकते हैं, हाइट पे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कदकाठी के अनुसार। फैब्रिक अपोल्स्ट्री के साथ में आपको इसकी सीट्स मिलती हैं। हेडरेस्ट वगैरह यहाँ पर दिया गया है। इस साइड में भी आपको वाटर बॉटल होल्डर मिलेगा, ये आपका साइन हो गया हजार्ड का। और अब हम चलते हैं केबिन के अंदर और केबिन का अंदर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूं। ऊपर चढ़ने के लिए आपको दोनों ही साइड में इसके अंदर ग्रैब हैंडल वगैरह दिए गए हैं जिससे कि आप गाड़ी के अंदर एंट्री अच्छे से ले पाते हैं। तो केबिन के अंदर का व्यू अगर मैं दिखाऊं दोस्तों, दूर से आप देखेंगे सेफ्टी एलआर बेल्ट्स वगैरह हैं। सीट के ऊपर आपको यहाँ पर भारत बेंच की ब्रांडिंग मिल रही है और इसके अंदर आपको यहाँ पर स्लीपर बर्थ जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन ड्राइवर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके अंदर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे कि ड्राइवर अगर आपका सो वगैरह आ रहा है तो वो यहाँ पर आपको जो है सोने नहीं देगा। इसके अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली जाएंगी। यहाँ पर भी आपको इसके अंदर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, स्पीकर वगैरह है, लाइट वगैरह है, LED के साथ में आने वाली लाइट है वाइट कलर की। यहाँ पर आपको सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया गया है। इस साइड में आप देखेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है और यहाँ पर आपको इसके अंदर वीडियो वगैरह ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। ये बीच में जो सिस्टम लगाया गया है दोस्तों, ये है आपका ऑटोमेटिक, जो आपका फायर वगैरह कभी लगता है तो उसके अनुसार जो है ये काम करेगा सिस्टम और आपको जो है फायर के समय पे एक्सटिंग्विशर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो ये लेटेस्ट फीचर आपको यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। माइनिंग वगैरह के एरिया में आपको काम करना होता है तो गाड़ी के अंदर आपको एयर कंडीशन भी दिया गया है कंपनी के द्वारा। ये आपके AC के वेंट हैं, ये हजार्ड लाइट है और यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये आपको यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ये आपका LCD यूनिट हो गया जिसके ऊपर आपको रिवर्स का जो एरिया है यानी कि रियर कैमरा है उसका व्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका 9-स्पीड ट्रांसमिशन का छोटा सा गियर शिफ्ट लीवर है। इसके नीचे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर केबिन में भी दिया गया है। मोबाइल को चार्ज करने का 24 वोल्ट का ऑप्शन है, सॉकेट है। तो एक बार देखिएगा दोस्तों, आपको ये केबिन अच्छा लग रहा होगा मैं समझता हूँ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर आप अपने दोस्तों में ज़रूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं दोस्तों इसका जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं। यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, या आपका अदर इन्फॉर्मेशन हैं, और ये यहाँ पर आपका जो है पावर वॉल्यूम वगैरह इसका जो है, और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। तो दोस्तों इस तरह का केबिन और काफ़ी सेफेस्ट केबिन बनाया गया है। आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो आगे वाला है उसकी यहाँ पर हमें साउंड शो हो रही है, क्योंकि आगे की साइड में ट्रक के आगे कोई आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही कोई आएगा तो उसका साउंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो जाता है। ये सनवाइज़र वगैरह आपके कम्फर्ट के हिसाब से यहाँ पर दिए जाते हैं और स्टेयरिंग भी काफ़ी अच्छा है, पावर स्टेयरिंग रहेगा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में आने वाला। यहीं पर आपका हॉर्न है, भारत बेंच की ब्रांडिंग है। और इसको कर देता हूं मैं बंद क्योंकि इसकी जो साउंड है इतनी तेज़ है कि ड्राइवर नींद में भी हो तो उसको पता चल जाएगा कि आगे या पीछे कहीं कोई आया है। तो इसी तरह का सेंसर आपका पीछे वाला काम करता है और इसी तरह का आपका आगे वाला सेंसर यहाँ पर काम करता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि ड्राइवर को कभी सोने नहीं देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहां पर कवर कर ली हैं केबिन के रिगार्डिंग। अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो एक लाइक और शेयर आप अवश्य करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको भारत बेंच की इस नई गाड़ी 3532 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हद तक जानकारियाँ दे दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। गाड़ी की नई कीमतों के बारे में आप जो है निकटतम भारत बेंच डीलरशिप पर जा करके संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।